प्रदेश सरकार के द्वारा मैनपुरी जनपद में सरकारी धान खरीद का लक्ष्य 35,000 क्विंटल रखा गया। वहीं जनपद में इस समय 15 धान खरीद केंद्र बनाए गए, जिसकी समय समय पर जिलाधिकारी के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा अभी तक कृषि उत्पाद मंडी समिति का 3 बार निरीक्षण किया जा चुका। हालांकि मंडी में भीड़ और जाम देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। मंडी में मंडी सचिव को सख्त हिदायत दी कि एक ऐसा निश्चित समय किया जाए जिससे क्रय केंद्र तक ही किसान अपनी फसल लाकर रख सके। साथ ही मंडी में घुसने से पहले संकेत के लिए बोर्ड भी लगाए जाए, जिससे किसान आसानी से सरकारी खरीद केंद्र तक पहुंच सके। हालांकि कृषि उत्पाद मंडी में 2 क्रय केंद्र के कांटे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, सभी क्रय केंद्र समय से खोले जाएं, क्रय केंद्रों पर कर्मचारी मौजूद रहें, किसान को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जो सरकार ने MSP मूल्य निर्धारित कर रखा है, उसका किसानों को फायदा मिले। जनपद में धान की फसल 2 तरीके से की जाती है, जिसमें एक मोटा धान होता है जो सरकार क्रय केंद्र के जरिए खरीद रही है। इसका MSP रेट सरकार ने निर्धारित कर रखा। कुछ किसान पतला धान उगा रहे हैं, जो सरकारी केंद्र पर इस समय नहीं खरीदा जा रहा है। पतले धान की खुले चबूतरे पर आढ़तियों द्वारा नीलामी की जाती है। इस दौरान सरकार द्वारा MSP रेट के अनुपात में किसानों को सस्ते में धान देना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर शासन को अवगत करा दिया गया। जल्द ही शासन के द्वारा इस समस्या का निदान निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी किसानों को जागरूक करें, जिससे सरकार द्वारा MSP रेट धान की फसल के लिए तय की गई है उसको किसानों को मिल सके, जिससे वे मुनाफाखोरी और कमीशन बाजों और बिचौलियों से बच सके। इसके साथ ही कृषि उत्पादन मंडी में घुसने से पहले सांकेतिक चिन्ह लगाए जाएं, जिससे आसानी से किसान क्रय केंद्र तक पहुंच सके। अधिकारी मंडी में सुनिश्चित करें कि जाम की स्थिति ना हो, आसानी से क्रय केंद्र तक किसान अपनी फसल को लेकर पहुँच सके। DM ने SDM को निर्देशित किया कि वे कृषि उत्पाद मंडी में क्रय केंद्र का हर रोज दौरा करें। किसानों को कोई भी अगर समस्या हो तो फौरन उसका निदान किया जाए। देखिए, एक तो धान वो है जो हमारे क्रय केंद्रों में क्रय किया जाता है, जिसका MSP फिक्स है। हर क्रय केंद्र पर बोर्ड लगे हुए, नंबर दिए हुए हैं, SDM साहब के नंबर लिखे हुए हैं। कोई भी किसान आता है, कोई अगर बदमाशी करने का प्रयास करता है, तत्काल बताएं, तत्काल हम उसको दिखाते हैं। ये मेरा तीसरा निरीक्षण है मंडी का। एक धान ऐसा भी है जिसकी वैरायटी भी थोड़ी डिफरेंट है, जो पतली किस्म का है, जो जिसको क्रय केंद्रों में जिसकी रिकवरी कम होती है, क्रय नहीं होता है, वो मंडी में नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से क्रय किया जाए, ताकि उसका अच्छा मूल्य मिल सके। और थोड़ा सा मार्केट में जो धान है, जो विभिन्न वैरायटी का है, तो थोड़ा रेट से वेरिएशन है, तो ये भी आग्रह करूँगा, थोड़ा सा अगर किसान भाई सही जगह जाके पता करेंगे तो अच्छा मूल्य मिलेगा। भाई सर, लगातार ये भी शिकायतें मिल रही थी कि क्रय मूल्य पर लेके आता है किसान, तो किसान को अगर गीला है तो गीला बता दिया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर बिचौलिया मीडिएटर है, उसके माध्यम से दिया जाता है, तो उसको उचित, उस किसान को तो उचित मूल नहीं मिलता है, लेकिन लाभ है, मीडिएटर कमा लेता है, ऐसा भी है सर? ऐसा नहीं है। हमारे जो क्रय केंद्र है, उसमें खरीद अभी 5-6 जगह केवल खरीद अभी हुई है। अभी जो मोटा जो धान है वो आना शुरू हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसी के लिए हम लोगों ने पहले भी निरीक्षण किया है, पुनः निरीक्षण कर रहे हैं। जो पतली अन्य किस्म के धान हैं, जो जिसको मंडी में विक्रय किया जाता है, उसे मंडी में नीलामी करा के उसका विक्रय किया जाए, ताकि उसका सही मूल्य मिले, इसके हम लोग प्रयास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।